satisfactory. Yes, I can buy it. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आपको एक मरतबा फिर मार्केटिंग दुनिया में खुश आमदेद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर प्रमोशन की बात करेगा। ये प्रमोशन सीरीज़ के लेक्चर का दूसरा लेक्चर है और प्रमोशन मिक्स में जब हम बात करते हैं कि प्रमोशन मिक्स का बुनियादी मकसद यह है कि हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हैं। प्रमोशन मिक्स की जब बात होती है तो हम बात करते हैं पर्सनल सेलिंग करेंगे हम, प्रमोट करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या एडवर्टीजमेंट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रमोशन मिक्स में तमाम उन एलिमेंट्स की बात की थी जो एडवर्टीजमेंट के अलावा इस्तेमाल होते हैं। आज हम एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टाइजिंग मिक्स कैसे है, एडवर्टीजमेंट कैसे बनती है और एडवर्टीजमेंट में और प्रमोशन में क्या बुनियादी तौर पर फ़र्क है। आम कहते हैं जी हमने सेल प्रमोशन की है, एडवर्टीजमेंट की है, तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट को समझने से पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी की। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम गुजारिश की थी कि जब कंपनी अपनी मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करती है तो कंपनी ये देखती है कि क्या हमने पुश स्ट्रेटजी लगानी है या पुल लगानी है। पुश से मुराद यह है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैंने अपनी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचाया है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एंड मर्चेंडाइजर। तो ये गोया ये है कि ये एक मेथड है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को पुश करते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चरर के बाद ये होलसेलर के पास गई, होलसेलर ने अपना मार्जिन रखा और मार्जिन के बाद रिटेलर को भेज दिया, रिटेलर ने अपना मार्जिन रखा और उसको एडवर्टाइज मर्चेंडाइजर के पास भेज दिया, मर्चेंडाइजर ने अपना कमीशन लिया और वो सेल एजेंट के पास गई, सेल एजेंट ने अपना कमीशन लिया और उसको कंज्यूमर तक पहुँचा दिया। तो गोया ये जो चेन है जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है बाय पुशिंग इट, और इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी तादाद में होलसेलर, रिटेलर, मर्चेंडाइजर के पास होती है और वो जो आपकी कास्ट है, कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट इज गेट स्टक देयर, वो आपकी कास्ट वहां रहती है। दूसरी तरफ यह है कि उसका नाम है पुल। पुल से मुराद यह है कि मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की और मैंने ऐसे कोई प्रोमोशनल टेक्निक्स, एडवर्टीजमेंट्स टूल लगाए कि कंज्यूमर तक उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में तमाम चीज़ें पहुंची और कंज्यूमर ने डिमांड की रिटेलर से या मर्चेंडाइजर से, मर्चेंडाइजर ने एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्वायर की और कंज्यूमर तक पहुंचाई। अब एक अच्छी मार्केटिंग कंपेन वो होती है, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो है जिसमें एक डेलीगेट बैलेंस है कि आप प्रोडक्ट को पुल के जरिए प्रोमोट भी करते हैं और साथ पुश के जरिए अपनी प्रोडक्ट को आप मार्केट प्लेस में या आपकी प्रोडक्ट शेल्फ स्पेस तक पहुंचती है। तमाम वो कैंपेन्स जिसमें आपने प्रमोशनल टूल तो लगा दिए, प्रमोशनल व्हीकल्स तो इस्तेमाल की, एडवर्टीजमेंट की, लेकिन आपने प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं किया जहाँ कंज्यूमर जाके प्लेस उसको खरीद सके, मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट आई नहीं, वो कैंपेन भी फेल होती है। तो गोया मार्केटिंग वाले ये देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट हो। तो गोया मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना एक बड़ा डेलिकेट और कम्प्लेक्स प्रोसेस है कि हम कितनी कैंपेन थ्रू पुश के जरिए अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाएं और क्या ऐसा टूल लगाएं जिसकी बेस पे उसकी अवेयरनेस भी और पुल की बेस पे वो आए और कस्टमर खिंचा चला आए। अब जो पुल है वो उसको क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं और जो सबसे ज़्यादा टूल आम तौर पे इस्तेमाल होता है वो एडवर्टीजमेंट है। बाकी टूल भी इस्तेमाल हो सकते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन जो कॉमन टूल अंडरस्टूड है वो एडवर्टीजमेंट है। अब हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट क्या है। एडवर्टीजमेंट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ एनी फॉर्म ऑफ पेड एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन टू प्रमोट आइडियाज़, गुड्स आर सर्विसेज बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। तो गोया ये वो पेड प्रेजेंटेशन है जिसके जरिए मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट को
پروموٹ کرتی ہے تمام وہ میڈیم جن کے ذریعے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں کنزیومر کو اویئرنیس ہوتی ہے اور یہ پیڈ ہیں یہ ایڈورٹیزمنٹ کی فارم اور شیپس ہیں تو گویا ایڈورٹیزمنٹ نام ہے کسی ایسی پیڈ ایکٹیویٹی کا جس کی بیس پہ آپ کی پروڈکٹ کے فیچرز ایٹریبیوٹس پروموشنز اور پروڈکٹ کے بارے میں تمام نالج ہے وہ آپ کا کمیونیکیٹ ہوتا ہے کنزیومر تک اور اس بیس پہ کنزیومر جو ہے اپنی ڈیسیژن کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ بہت سی فارم میں شیپس میں ہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ہم پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے نان ٹریڈیشنل میڈیمز ہیں تو جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس وقت ایک ہاٹ ہے اور اس کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے باقی میڈیا سے بہت بہتر ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی شاید پریزنس ہی بہت بہتر ہے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں پرنٹ میڈیا یوز کرتے ہیں اور ان تمام میڈیا سلیکشن میں مارکیٹنگ والے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اور جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ ہے جو ہماری پوزیشننگ ہے اور جو ہماری ٹارگٹ مارکیٹ کی انٹرسٹ ہابیز ہیں جو ٹرسٹ اور اپنی ہماری جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کی جو پرسیوڈ ویلیو اباؤٹ دیٹ میڈیا ہے وہ کیا ہے تو اس چیز کا نام کہ تمام چیزیں کس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ ہمارا جو ایڈورٹائزنگ میسج ہے جو ایڈورٹائزنگ کمپین کا آبجیکٹیو ہے وہ اچیو ہو ان تمام چیزوں کو ہم انکیپسولیٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ مکس میں ایڈورٹائزنگ مکس جو ہے وہ نام ہے تمام ان ٹولز کا جن کی بیس پہ ہم اپنے ایڈورٹائزنگ آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں اب جو مختلف ایڈورٹائزنگ ٹولز اویلیبل ہیں پاکستان میں ان میں ہم اگر ہم پرنٹ کی بات کریں تو پرنٹ میں ہمارے پاس فلائر ہے ہمارے پاس بکلیٹس ہیں چھوٹے آپ بکلیٹس بناتے ہیں ہمارے پاس پرنٹ میڈیا میں بینرز آتے ہیں پرنٹ میڈیا میں آپ کے نیوز پیپرز آتے ہیں میگزینز آتے ہیں اور اسی طرح ڈائجسٹ ہیں اور اسی طرح جو مختلف اور ایسی تمام چیزیں جو پرنٹ کر کے ہم بھیج سکتے ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو کامنلی پرسیوڈ پرنٹ میڈیا وہ نیوز پیپر ہے نیوز پیپر کا اپنا ایک مزاج ہے اور نیوز پیپر سے مراد ہے کہ مختلف ٹارگٹ مارکیٹس کی مختلف نیوز پیپر کی پریفرنسز ہیں یہ بھی ایک کمپلیکس فینامنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اور ہمارا جو کنزیومر ہے ان کی پریفرنسز کیا ہیں اس کی لائک ڈس لائکنیسز کیا ہیں اور اس تمام چیز کو انالیسز کرنے کا نام ہی ایڈورٹائزنگ مکس کا انالیسز ہے میں اپنی پروڈکٹ کی بات کرتا ہوں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کس ایڈورٹیزمنٹ وہیکل کے ذریعے پروموٹ ہو سکتی ہے نمبر ایک نمبر دو کہ ہماری جو کنزیومر ہے وہ اس ایڈورٹائزنگ وہیکل کو کیا پرسیو کرتا ہے نمبر تین اس کی ایڈورٹائزنگ وہیکل کی کاسٹ کیا ہے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں کہ ریپیٹ ایڈورٹائزمنٹ مین ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ نے ایک دفعہ اشتہار دیا اور پھر آپ بھول گئے یا آپ افورڈ نہ کر سکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اویئرنیس تو کریٹ کرے گا لیکن سیل جنریٹ نہیں کرے گا ہماری پروڈکٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کون سی ایڈورٹائزنگ وہیکل ہے کیا یہ پروڈکٹ تھرو ٹی وی بک سکتی ہے پہلے پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں کیا یہ پروڈکٹ تھرو پرنٹ میڈیا بک سکتی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہمارا کمپیٹر اس میں اشتہار دیتا ہے اگر ہمارا کمپیٹر اشتہار دے رہا ہے تو پھر ہم سوچیں گے کہ یہ کمپیریٹو مارکیٹ اسپیس میں اس پروڈکٹ کی اس پرنٹ میڈیا میں کوئی جگہ ہے پھر ہم دوسرا ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم انوویٹو آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور تمام اس چیزوں کی بات کرتے ہیں جو شاید اویلیبل نہیں ہو اور ہر پروڈکٹ ہر ایڈورٹائزنگ ٹول کے بارے میں ایک پرسیوڈ ویلیو ہے فلائر از کنسیڈرڈ اے چیپ وے ٹو پروموٹ اینڈ یہ یوز کر ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں جب ہم بیسک انفارمیشن ریلے کر رہے ہیں اور یہ لو اینڈ کے ایڈورٹیزمنٹس ہیں اسی طرح جو بینر ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے بارے میں ایک پرسیوڈ ویلیو تھی جو مارکیٹ نے چینج کی صرف 20 سال پہلے کی بات ہے کہ بینرز ور اونلی یوز ٹو ایڈورٹائز جلسہ جلوس اور یا اشتہار بازی کا وہ ذریعہ نہیں تھا کہیں کوئی مجالس تھیں یا کہیں کوئی ایسی گیدرنگ تھی تو بینرز یوز ہوتے تھے پھر کچھ لوگوں نے آ کے کچھ مارکیٹنگ کے لوگوں نے آ کے بینرز کی پوزیشننگ چینج کر دی اب تمام برانڈڈ پروڈکٹ بھی بینر کے ذریعے پروموٹ ہوتی ہیں اور نہ صرف کہ بینر کے ذریعے پروموٹ ہوتی ہیں بلکہ بینر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت ریفارم ہو گئی ہے یہ پش کیوں آیا اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کاسٹ
कि बाकी प्रिंट मीडियाज बड़े महंगे हो गए और बैनर बड़े आसान हो गए, और उसके साथ साथ बैनर्स बनाने वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर ली, और उसके अलावा जब आप टारगेट मार्केट की बात करें तो बैनर बिकेम ए प्रोडक्ट, बिकेम ए एडवर्टाइजिंग व्हीकल बेटर देन मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो गोया अब आप देखते हैं कि बैनर जो है वो एक बेहतर प्रोडक्ट है। इसी तरह जो बिल बोर्ड है हमारा, बिल बोर्ड एक नई प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग व्हीकल है जो पिछले 20 सालों में आई है, और जितने भी आप शायद ही कोई ऐसी बड़े शहर में बिल्डिंग हो जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड ना लगा हो, उसके खिलाफ एक कंपेन भी चली कि ये नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट्स है, ये एक ऐसा नॉइज़ क्रिएट करता है जिससे आपकी अटेंशन स्पैन ख़राब होता है, सड़कों पे हादसात बढ़ते हैं, तो उसके खिलाफ एक कंपेन भी चली। बिलबोर्ड एक एडवर्टाइजिंग मीडिया के तौर पे बहुत स्ट्रांगली आया, लेकिन अब उसके खिलाफ भी एक कंपेन चली, बंद हो गया, गवर्नमेंट इसको स्टॉप कर दिया है। लोग गाड़ियाँ पेंट करते हैं, गाड़ियों के ऊपर कार रैप करते हैं, उसे बोलते हैं हम कि कार रैप एक एडवर्टाइजिंग व्हीकल्स हैं जिसने बिलबोर्ड और आपके बैनर्स को रिप्लेस कर दिया। फ्लायर्स जो है मार्केट से निकलता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि फ्लायर का पेपर महंगा हो गया है। तो गोया वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग टूल्स जो हैं उनके अंदर भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, लेकिन ये परसेप्शन और ये वैल्यू चेंज करना बड़ा मुश्किल है और टाइम लगता है। जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो हमारे दिल में सबसे पहले जो ख्याल आता है जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है वो प्रिंट मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, और ये मार्केट क्योंकि बड़ी कंजेस्टेड है, बड़ी कंपेरेटिव है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया वाले लोग या एडवर्टाइजिंग मीडिया कंपेन प्लान करने वाले लोग बड़े कॉन्शियसली प्लान करते हैं कि किस एड की किस वक्त पे इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो। ये तो उसका आपकी बात करते हैं उसकी एग्जीक्यूशन प्लान का। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग का जो मैसेज है वो बकायदा उसका किसी एक स्ट्रेटजी के तहत डिवाइस किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका भी अपना एक रूप है, पीछे पूरी एक मार्केटिंग कंपेन कार फरमा होती है। एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या है, मार्केटिंग मैसेज क्या है, कंपनी की पोजीशन क्या है, उस बेस पे पूरी कंपेन तैयार होती है, कापी तैयार होती है, कापी को प्रेजेंट किया जाता है, और फिर देखते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है कंपनी की ओवरऑल कोर स्ट्रेटजी का हिस्सा है या नहीं है, और जो आप तक चीज एडवर्टाइजमेंट पहुंचती है उसके तमाम फीचर्स, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स एक सोची समझी स्कीम के तहत सर्टन ऑब्जेक्टिव्स के तहत डिवाइस किए जाते हैं। जो कॉमनली चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में देखने में आई हैं कि एक ज़माना था कि ये प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी इंडोर्स किया जाए, वो एक कंपेन थी कि आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं ताकि कंज्यूमर एसोसिएट करे उन सेलिब्रिटीज़ के साथ, जिसमें हम किसी ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आते हैं जो सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा होता है। शान इंडोर्स करते हैं मोबाइल लिंक की प्रोडक्ट को, वो इंडोर्स क्या करें, बेहतर प्रोडक्ट है। इसी तरह हमारे जो एक्ट्रेसेस हैं वो प्रमोट करती हैं सर्टन सोप ब्रांड को कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी एसोसिएशन इसी के साथ। ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट वाला काम जो है ये भी काम एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत मार्ज़े वजूद में आता है। उसकी ये वजह ये होती है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहती है कि सेलिब्रिटी इंडोर्स विल गिव अस मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग माइलेज फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये भी एडवर्टाइजमेंट वाले लोग सजेस्ट करते हैं कि सेलिब्रिटी इंडोर्स करें, लेकिन ऐसी कंपेन भी देखने में आई है जहाँ सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की जो कास्ट है और उसका जो बेनिफिट है वो कोई जस्टिफाइबल नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग वाले लोग नॉन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी करते हैं और अपनी एडवर्टाइजिंग मैसेज में कम्युनिकेट करते हैं कि ये कॉमन प्रोडक्ट है। यू फोन ने इसका आगाज किया, यू फोन ने अपनी कंपेन में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जगह जो एग्जैक्टली कंज्यूमर है उसका रेप्लिका टीवी में दिखा दिया। यू फोन ने अपनी मार्केट को टारगेट किया कॉमन आदमी के लिए, यू फोन ने अपनी मार्केट को अपनी प्रोडक्ट को टारगेट किया कॉमन कंज्यूमर के लिए, और उसने कहा कि इट इज़ नॉट सेलिब्रिटी इंडोर्स प्रोडक्ट, इट इज़ नो मोर ए प्रोडक्ट विच इज़ ओनली फॉर फ्यू गुड और लकी वंस, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, कॉमन प्रोडक्ट है, कॉमन मैन की प्रोडक्ट है। और उसने अपने आप देखते होंगे कि उनकी एडवर्टाइजमेंट में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की जगह कॉमन मैन दिखाया है ताकि जो कंज्यूमर है वो एसोसिएट कर सके कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट है, हम सब के लिए है, इट इज़ ओके टू हैव ए मोबाइल। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सोचे समझे प्लान के तहत एडवर्टाइजमेंट प्लान करता है
और एडवर्टीजमेंट कैंपेन और मैसेज में कम्युनिकेट करता है, व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। देखिए जी, एडवर्टीजमेंट बड़ा पुराना फील्ड है, ये सदियों पुराना शोभा है, और ये शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टीजमेंट ना हो। अब बात यह है कि हम एडवर्टीजमेंट करते कैसे हैं। एडवर्टीजमेंट एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तहत वजूद में आती है, और एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन तभी कामयाब होती है जब उसके अंदर मल्टीपल टूल इस्तेमाल किए जाएं। इसकी वजह बुनियादी यह है कि जो एक टूल है बाज़ का इतना इफेक्टिव नहीं होता जितने दो टूल इफेक्टिव होते हैं, और एक टूल दूसरे को इन्फोर्स कर रहा होता है। इसको मिसाल से मैं वाजह ऐसी करूँगा कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाता हूं, तो मैं इसका एक इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट बनाता हूं, मैं केबल पे इसका इश्तिहार देता हूं, साथ ही इसके मैं एक फ्लायर भी इसका बनाता हूं, और साथ ही मैं इसकी एक छोटी सी एड किसी रेलेवेंट न्यूज़पेपर में दे देता हूं। और अगर आप कंज्यूमर हैं इस प्रोडक्ट का, अगर आपने रस्ते में जाते हुए फ्लायर देखते हैं, फ्लायर पे भी हमारे जॉर्डैश का आप छोटा सा इश्तिहार देखते हैं, फ्लायर देखते हैं, जब आप घर आते हैं तो आप टीवी ऑन करते हैं, टीवी पे भी आपको छोटी सी एड नज़र आती है, और अखबार खोलते हैं तो अखबार में भी आपको इन जॉर्डैश का नज़र आता है। तो कहीं बार बार एडवर्टीजमेंट जो है इट्स क्रिएटिंग री इन्फोर्समेंट। और इसी तरह जब हम एडवर्टीजमेंट प्लान करते हैं तो हम री इन्फोर्स का एलिमेंट ज़रूर देखते हैं। तभी आप देखते होंगे कि जब मार्केटिंग कंपनीज कंपेन चलाती हैं, वो रेडियो कंपेन हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपेन हो, या वो प्रिंट कंपेन हो, तो उनका एक सीरीज़ ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, और बाज़ अकात ये एडवर्टीजमेंट जो है इट गोज थ्रू ए सीरीज़ ऑफ मीडिया बम्बारमेंट। और बाज़ अकात वो ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि पूरा एक निज़ाम चलता है, और बाज़ अकात एक सिर्फ क्वेश्चन मार्क आता है किसी कंपनी का, फिर एक 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 लफ्ज़ आता है, फिर दूसरा लफ्ज़ आता है। इन्हें हम एडवर्टाइजिंग टीज़र्स बोलते हैं, कि हम एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस के द्वारा हम कहते हैं जी बहुत जल्द आ रहा है, कमिंग वेरी सून। इस तरह के हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं जिसमें हम ऑडियंस या टारगेट मार्केट के अंदर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ नाम ये नहीं है कि हमने एक इश्तिहार बना के लगा दिया, बल्कि एडवर्टीजमेंट नाम है एक सोचे समझे मंसूबे का, जिसके तहत हम कंज्यूमर को अवेयर, एजुकेट, री इन्फोर्स, एम्पावर, पावर, हर तरह की हम उसको वो चीज़ क्रिएट करते हैं जिसकी उसको शायद उस वक़्त ज़रूरत होती है। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो नाम है एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने का जहाँ कंज्यूमर अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट के बारे में तशहीर की जाए, और कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत की जाए, ताकि वो जाके कह सके देखा मेरी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ एडवर्टाइज़ होती है, देखा मेरी प्रोडक्ट कितनी पावरफुल है। वो कंपनीज जो एडवर्टीजमेंट के बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर नहीं करती, आम तौर पे देखने में आया है कि वो कंपनीज़ बहुत जल्द मार्केट से निकल जाती हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो सीन है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, वक्त के साथ बदलता रहता है, और इसमें नए नए टूल आते हैं। आजकल हम जो बात कर रहे हैं, जो नए इस वक्त एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं, वो ऑनलाइन टूल्स हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। बेशक के पाकिस्तान में अभी बड़ी छोटे लेवल पे है, लेकिन ये वो टूल्स हैं जिन्होंने बहुत जल्द मार्केट में इतना ब्रांड क्रिएट कर लेना है, इतना मैस क्रिएट कर लेना है कि इनकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, और ये साइजेबल टूल्स होंगे जो मार्केट में अवेलेबल होंगे। मैं उनमें से चंद टूल्स की बात करता हूँ। एक टूल है जिसको हम SMS एडवर्टाइजिंग कहते हैं, SMS मार्केटिंग कहते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ SMS यूज़ होता है मैसेज कम्युनिकेट करने का बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, लेकिन आप देखते होंगे कि आपको ऐसे मैसेज जरूर टेलीफोन पे आते हैं जो आपको इंडिविजुअल कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपके जान पहचान वाले कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि कंपनीज कम्युनिकेट कर रही हैं। तो गोया एडवर्टाइजिंग के अंदर SMS का जो टूल है वो एक नया टूल आ गया है। जो ही हमारा SMS के साथ साथ जो ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो शायद हमारे पास जो अगला बेहतर टूल है कि आपके टेलीफोन में, आपके सेलफोन में एक डिजिटल या एक वीडियो मैसेज भी आएगा। ये एक कामयाब टूल है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट है, तो SMS एडवर्टाइजिंग भी बहुत जल्द सब्सटैंशियल इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपकी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। इसी तरह ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो है कि आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट को आप प्रमोट करते हैं थ्रू ट्रेडिशनल मीडिया, या आप प्रमोट करते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग,
ईमेल मार्केटिंग का एक डिसएडवांटेज है कि इसकी अभी जो साइज़ है, मार्केट साइज़ है, जो ईमेल मार्केटिंग ईमेल को इस्तेमाल करती मार्केट है वो छोटा है, जबकि जो एसएमएस है वो एक बहुत बड़ा पूल है। तो गोया एडवर्टाइजिंग वाले लोग अब एसएमएस मार्केटिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि यार ये उस टूल को भी इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह एक दौर ऐसा था जब रेडियो जो था वो एक बहुत बड़ा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टूल था, लेकिन वक्त के साथ साथ रेडियो निकल गया, कंज्यूमर ने रेडियो को इस्तेमाल करना कम कर दिया और वॉइस की जगह वीडियो आ गई। अब वीडियो के अंदर भी एक, वीडियो से मुराद यह कि टीवी है, टीवी के अंदर भी एक कंपटीशन है। और अब ये जितने भी एडवर्टाइजिंग वाले लोग हैं वो देखते हैं कि जी हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कंपेन है उसके अंदर कौन सा मीडिया कितना पावरफुल है। बहुत दूर की बात नहीं है, पाकिस्तान में PTV वाज कैप्चरिंग 90% 92% मार्केट शेयर, और टीवी जहां भी हम टीवी की बात करते थे PTV की बात करते थे। उस ज़माने की एडवर्टाइजमेंट कंपेन बड़ी डिफरेंट थी, अब कंपेन बड़ी डिफरेंट है। अब 47+ टीवी चैनल्स हैं, और टीवी चैनल्स के अलावा जो केबल ऑपरेटर्स हैं उन्होंने भी एडवर्टाइजिंग सीन में एक रोल प्ले कर दिया। तो गोया एडवर्टाइजमेंट जो है वो नाम है कांस्टेंट सर्च का, कि कौन सा बेहतर से बेहतर टूल हम इस्तेमाल करें जिसकी बेस पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कंपेन को कामयाब कर सकें। जैसे मैंने गुजारिश की टू सम अप कि जी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो कुछ वो मुश्तमिल है डेलीगेट बैलेंस है पुश और पुल का, और पुल के अंदर जब हम बात करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो की रोल प्ले करती है। एडवर्टाइजमेंट मिक्स से मुराद ये है कि हम एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से टूल लगाते हैं, उन टूल का इम्पैक्ट क्या है। लेकिन बुराई तरफ हम ये देखते हैं कि हमारी जो टारगेट मार्केट है क्या हमारे एडवर्टाइजिंग टूल उस तक पहुँचते हैं, और जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है क्या वो मैसेज ऐसा है जो कंपनीज़ की हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स और टारगेट मार्केट की जो नीड्स हैं उनके साथ एक हमांगी क्रिएट करता है कि नहीं करता। ऐसे वो मैसेज कामयाब मैसेज हैं जिसने अपनी आपकी टारगेट मार्केट या कंज्यूमर के साथ एसोसिएशन डेवलप कर दी और उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली और उनके अंदर ये कन्विक्शन क्रिएट कर ली कि ये वो प्रोडक्ट है जो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, तो उसे हम एक कामयाब एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो गोया कामयाब एडवर्टाइजमेंट वो है जो कंज्यूमर को टच करे, उसको जाके उसके इमोशंस पे कैश करवाए, उससे इमोशनल लिंक बिल्ड करे, ताकि अल्टीमेट जो उस एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है, क्या अवेयरनेस है, परचेज है, रीगेन है, एम्पावर है, जो भी उसका एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।